पंजी जी का गणित ही समझ में नहीं आता, उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। आपने अपना नाम सही लिख लिया लेकिन स्कूल की मार्कशीट नहीं लगाई, तो ये मान लेंगे कि आपने जो नाम तो लिखा है तो मार्कशीट की जरूरत ही नहीं है। क्या स्क्रूटनी करते हैं आप? फॉर्म लेते वक्त देखते हैं कि ऐसे ही ले लेते हैं कि जिससे बाद में मैनिपुलेट करना हो तो कर लेंगे मैनिपुलेट हम? कब गए थे OIC? फिर वो आ गया था अरे वो सामान। तो आ गया, वो तो बड़ी मेहरबानी करी आपने। आप आज नहीं लाते तो आपके ऊपर बहुत कॉस्ट लगती। सर अगर आपके कमिश्नर के पास रिकॉर्ड था तो किसकी जिम्मेदारी है लेके आने की? एडवोकेट जनरल की कि आपके OIC की? फिर क्यों नहीं लेके आया OIC? कौन OIC है आपका? श्री राजन बागरस उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ डी करिए एंड पनिश हिम। आपके OICs ने मजाक बना रखा है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर एवर दे आर अवेलेबल एंड ब्रिंग इट टू द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। क्या बाहर कोर्ट लग रहा है? क्या कोर्ट बाहर लगता है क्या? इधर आइए ना। दे आर रिसेंटली ज्वाइन द पोस्ट मैलो तो क्या हो गया? अर्लियर स्टेट ट्रांसफर करती है, साहब अर्लियर मैलो दे आर नॉट कंप्लीट रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजा था कंप्लीट रिकॉर्ड? कमिश्नर ऑफिस से। क्यों नहीं भेजा था कंप्लीट रिकॉर्ड? सर उन्होंने एक एप्लीकेशन इसमें लगी हुई है AG साहब के लिए कि कमिश्नर साहब के यहाँ से रिकॉर्ड नहीं आए, रिकॉर्ड तो मिले नहीं कमिश्नर साहब क्या रिकॉर्ड लेने कब गए थे? कमिश्नर सर। साहब क्या रिकॉर्ड लेने AG साहब जाते हैं क्या? नहीं नहीं सर फिर आ OIC गया, को कब गए थे OIC? फिर वो आ गया था अरे वो सामान। तो आ गया, वो तो बड़ी मेहरबानी करी आपने। आप आज नहीं लाते तो आपके ऊपर बहुत कॉस्ट लगती। सर निवेदन ये था आपसे जो बात पूछ रहे पहले वो उत्तर दीजिए। पांच लग गया, जमा कर देंगे सर 5 लाख। वो तो आपको करना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड एक बार में क्यों नहीं भेजा आपने? अगर आपके कमिश्नर के पास रिकॉर्ड था तो किसकी जिम्मेदारी है लेके आने की? एडवोकेट जनरल की कि आपके OIC की? फिर क्यों नहीं लेके आया OIC? कौन OIC है आपका? श्री राजन बागरस उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ डी करिए एंड पनिश हिम फॉर वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट। कहाँ है वो OIC आपका? नहीं, दे आर रिसेंटली दे आर ज्वाइन माय लॉर्ड अर्लियर OIC टू मिस्टर टेक बागरस एक्शन अगेंस्ट हिम। आपके OICs ने मजाक बना रखा है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर एवर दे आर अवेलेबल एंड ब्रिंग इट टू द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। हाँ बताइए ओरिजिनल रिकॉर्ड। इनका BPL कार्ड का झगड़ा है ना, जी सर। इनका ओरिजिनल फॉर्म दिखाइए। ये ओरिजिनल फॉर्म है ना, दिखाइएगा इनको क्या भरा है रत्ना देवी ने। तो इनको ये भी दिखाइएगा एप्लीकेंट का, इसमें हाँ और ना इसमें कहाँ लिखा है कि इन्होंने एनक्लोज किया है कि नहीं किया है। ऐसे हाँ या ना में टिक है? ठीक है इसमें नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज किए उसकी चेकलिस्ट है? अरे वहां लिखने से नहीं होता वकील साहब। वो आप किस पद पर हैं? परियोजना अधिकारी बस चीज समझ रहे हैं आप? फिर इस चेकलिस्ट का क्या मतलब है? अगर ये चेकलिस्ट है यहां पर और इसमें हाँ या ना नहीं लिखा है, हाउ कैन यू प्रिज्यूम दैट दैट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल? क्या स्क्रूटनी करते हैं आप? फॉर्म लेते वक्त देखते हैं कि ऐसे ही ले लेते हैं कि जिससे बाद में मैनिपुलेट करना हो तो कर लेंगे मैनिपुलेट हम? वेयर इज इट मैंशनड दैट शी हैड डिपॉजिटेड दिस BPL कार्ड? वेयर इज इट मैंशनड? इसीलिए ओरिजिनल बुलाया था हमने। नहीं लिखा है ना, नहीं नहीं लिखा है, बात खत्म हो गई। लिखा अब उसके उसके फर्स्ट से क्या होता है भाई? आपने अपना नाम सही लिख लिया लेकिन स्कूल की मार्कशीट नहीं लगाई, तो ये मान लेंगे कि आपने जो नाम तो लिखा है तो मार्कशीट की जरूरत ही नहीं है। यस अब आप बताइए। नंबर हाँ रिस्पॉन्ड नंबर 5 के बारे में तो पूछ रहे हैं। कहाँ प्लस इसमें जो हमने फॉर्म भर उसमें BPL कार्ड लगाया था लास्ट। लगाया है? कहाँ? आपने आपको लिस्ट तो भरनी आती नहीं, आपने इसमें साइन तक नहीं किए। आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता वास्ते परियोजना अधिकारी के साइन तक नहीं हो रहे। BPL कार्ड भी लगा अरे हुआ भाई वो तो आपने बड़ी मेहरबानी करी। कहाँ है आवेदन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर? कहाँ है मूल रिकॉर्ड में बताइए? आपसे पूछ रहे हैं मिस्टर प्रोजेक्ट ऑफिसर, कहाँ है वो हस्ताक्षर? इसमें कॉलम है ना, हस्ताक्षर आवेदन पत्र कार्यकर्ता वास्ते परियोजना अधिकारी। एक में प्राप्तकर्ता लिख रहे हैं, एक में कार्यकर्ता लिख रहे हैं। चलिए वो टाइपिंग एरर है। कहाँ है हस्ताक्षर? करना चाहूंगा सर। ये जो चेकलिस्ट रहती है सर ये पावती के रूप में देते हैं हमको, हाँ तो साइन करते हैं इस पे? नहीं करते? तो जो कैंडिडेट आवेदन दिया था उसके में साइन होगा।
उसके जो कैंडिडेट के आवेदन को जो रिसीविंग दिए थे उसमें साइन हाँ, तो होना। उसके कहाँ साइन हो रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। किसी के साइन नहीं है, ना कैंडिडेट के साइन है ना उसके साइन है। पर निवेदन ये है कि रिसीव करने वाला जो है इसकी एक कॉपी और होती है सर, वो कहाँ है कॉपी, ओरिजिनल रिकॉर्ड, इसीलिए तो बताइए ना। ओरिजिनल सर वो उनके पास होगी किनके जिसको पास, जिस 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 जिसने आवेदन दिया था उनके पास होगी सर। उनके पास होगी इसमें। ये तो आपका रिकॉर्ड है, इसमें कहाँ स्ट्रक्चर, इसको मेंटेन नहीं करते, इसमें जरूरत नहीं होती। गलती हो गई। पंजीरी का गणित ही समझ में नहीं आता, उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। Assumption is that no document has been filed along with the application. इस साल का आवेदन है ये, 2016 16 16 का है। इनके पति का नाम है राजा बाबू, ठीक है। देखिए राशन कार्ड में राजा के आगे बाबू हाथ से जोड़ा गया है, नाम भी बदल गया। दिखाइएगा परियोजना अधिकारी को, एज ऑफ 15 ईयर इससे सर, हमें मतलब नहीं पंद्रह है। साल का था उस समय। 15 साल 2006 में था, उससे हमें मतलब नहीं है। आदमी ही बदल गया, राशन कार्ड में सिर्फ राजा है। शी इज वाइफ, 2006 ऊपर पढ़िएगा, 2006 का है ऊपर कवर पेज पढ़िएगा राशन कार्ड का। देखा आपने, 2006 का है, 99 का नहीं है। ये राजा से राजा बाबू कैसे हो जाएंगे? इवन इफ दिस राशन कार्ड इज रेड एज इट इज, नेम इज नेम ऑफ अ पर्सन हु शोन हेयर इज राजा, एंड देन वॉट इज हिज रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली? अन्य अन्य कैसे आ जाएंगे? और एक कार्ड परिवार के मुखिया का होना चाहिए, यही नियम में है। कार्ड परिवार के मुखिया का, जैसे अविवाहित महिला है उसके पति का नाम बीपीएल कार्ड में परिवार के मुखिया के रूप में होना चाहिए। आपके ससुर का नाम क्या है? बच्चा आपसे पूछ रहे बच्चा जी, बच्चा, ये कार्ड कैसे काम आएगा आपके? लिखिएगा, चलिए पिटिशनर्स बच्चा का बाप है। कंटेंशन इज। और कुछ कहना है आपको? इसमें राजा बाबू का नाम ही नहीं है राशन कार्ड में भाई, वकील साहब। अर्थ इसमें जो है तो जो ये परिवार आईडी लाठी हाँ, परिवार सभी सदस्यों का विवरण लाठी अरे आपके बीपीएल कार्ड की बात हो रही है अभी। बीपीएल कार्ड में पति का नाम राजा बाबू है ही नहीं, हाथ से बाद में राजत जोड़ने से नहीं हो जाता है। मेरे नाम था लेकिन बाबू नहीं लिखा था तो जोड़ दिया होगा ऐसा लाठी। थोड़ा ना जुड़ जाता, उसके लिए जो है आपको उस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, नाम संशोधन कराना पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल पास सिंह। अगर गोपाल लिखा हुआ है तो हम प्रज्यूम कर लें कि आप गोपाल सिंह हैं। चलिए, पिटिशनर एंड प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 वर बोथ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता फॉर कार्यकर्ता फुल स्टॉप। पिटिशनर्स कंटेंशन इज दैट प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट हैज बीन गिवन मार्क्स फॉर बीपीएल कैटेगरी विदाउट देयर बीइंग एनी सर्टिफिकेट एनक्लोज्ड शोइंग हर टू बी अ मेंबर ऑफ बीपीएल कैटेगरी फुल स्टॉप। ऑन द बेसिस ऑफ सच सबमिशंस दिस कोर्ट हैड डायरेक्टेड टू समन द ओरिजिनल रिकॉर्ड। नेक्स्ट पैरा, प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री, आपका शुभ नाम क्या है? मैं कुमार द्विवेदी। अभय कुमार द्विवेदी। प्रोजेक्ट ऑफिसर महिला बाल विकास विभाग छतरपुर, वो सतना, सतना इज अवेलेबल विद ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड इज पर यूज द ओरिजिनल फॉर्म विच वॉज फिल्ड बाय द प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट श्रीमती रत्मा देवी शोज हरसेल्फ टू बी वाइफ ऑफ राजा बाबू फुल स्टॉप। द एक्नोलेजमेंट फॉर्म इज ब्लैंक। पिटिशनर हैड द प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट हैड नॉट टिक्ड द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच वर डिपॉजिटेड बाय हर अलॉन्ग विद हर एप्लीकेशन, ए फैक्ट विच इज एडमिटेड बाई द प्रोजेक्ट ऑफिसर हु इज प्रेजेंट इन पर्सन एंड टू होम दिस एप्लीकेशन वॉज गिवन फॉर परूजल फुल स्टॉप। ए राशन कार्ड इज एनक्लोज अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म विद द टाइटल गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का राशन कार्ड 2006, इन विच हेड नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली इज शोन एज दादूलाल सन ऑफ जुगल फुल स्टॉप। एट सीरियल नंबर 7
नेम ऑफ वन राजा इज मेंशन्ड शोइंग एज एज 15 ईयर्स एंड द रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली टू बी अदर्स फुल स्टॉप. इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस राशन कार्ड दैट बाबू हैज बीन एडेड इन द हैंड राइटिंग वेयर एज नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द रिस्पॉन्ड नंबर 5 इज शोन एज राजा बाबू फुल स्टॉप. Thus, in absence of any entry in the name of Raja Babu in the ration card, comma, it is evident that she could not have been considered to be wife of one Raja who has no relationship with Dadu Lal, who was at the relevant point of time head of the family, and it cannot be read as Raja Babu on the basis of the interpolation made in the handwriting. Full stop. Name is mentioned as Raja Babu, but fact of the matter is that ration card number is mentioned as 90/275226, whereas in the application form, Ratna Devi had filled राशन कार्ड नंबर एस बी पी एल ऑब्लिक 4311/27810 शोइंग टोटल 8100 फुल स्टॉप. देयरफॉर देयर इज अ मिसमैच इन द राशन कार्ड नंबर गिवन ऑन एनेक्सर एनक्लोज अलोंग विद एनेक्सर P1 एंड द वन विच इज मेंशनड इन द एप्लीकेशन फुल स्टॉप. राशन कार्ड विच इज एनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर डस बियर नंबर 27810 but it does not contain name of the husband of the petitioner, which is admittedly Raja Babu, but only makes a mention of Raja, which is not sufficient to identify her to be wife of the same person. In absence of any photograph of the said Raja, who was admittedly not head of the family, and also in view of the fact that the Raja whose name is mentioned in ration card number 27810 is not shown to be son of इनके राजा के पिताजी का नाम क्या है? बच्चा 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 in as much बच्चा 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 brother of the head of the family. अच्छा क्या लिखा? छोड़ दीजिए इसको, लास्ट को छोड़ दीजिए. क्या लिखा? In view of next पैरा लीजिएगा. In view of the fact that name of the father of Raja Babu is Bachcha and same is mentioned in the ration card bearing number 27810, therefore Raja being son of Bachcha and there being no dispute that same Raja son of Bachcha is married to the respondent Ratma Devi, petitioner has no claim to dispute her credentials for grant of 10 marks under BPL category. Petition fails and is dismissed. Original record is returned back. और हमें खाती है.